बात कर रहे हैं नर्स्ड इक्वेशन की। देखिए नर्स्ड इक्वेशंस पहले क्या काम करती है वो बताऊंगा, फिर ये है क्या वो बताऊंगा, फिर ये डेराइव क्या हुई वो बताऊंगा, फिर उसके बाद कैसे इसको यूज कर रहे हैं वो बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो नर्स इक्वेशंस क्या यूज करती है कि इसका सबसे पहले यूज इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट द ईएमएफ, द ईएमएफ ऑफ सेल और सिंगल इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड। देखो ईएमएफ ऑफ सेल और सिंगल इलेक्ट्रोड यानी हम पूरे सेल के लिए ईएमएफ पे भी लगा सकते हैं, या सिंगल इलेक्ट्रोड यानी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल के लिए लगा सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए भी लगा सकते हैं, केवल एक इलेक्ट्रोड के लिए भी लगा सकते हैं और सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी लगा सकते हैं और ईएमएफ ऑफ सेल के लिए भी लगा सकते हैं। इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल और सिंगल इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ईएमएफ सेल। तो यहां हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल हम निकाल दिया, ठीक है। अब आगे कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालने में तो नहीं है, बाय गिवन वैल्यू, एक लाइन और ऐड होगी, ऑफ इलेक्ट्रोड एट एनी कंडीशंस। कंडीशन का मतलब जैसे आपके पास आ सकता है प्रेशर या कंसंट्रेशन, ये दो चेंजेस कर दें बाय द हेल्प ऑफ, हमें किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी, बाय द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ईएमएफ और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन स्टैंडर्ड, ये सब स्टैंडर्ड है, और लगाते जाओ, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये सब हमारे लिए ईएमएफ, इसको हम बोलेंगे ई सेल, ये भी स्टैंडर्ड। इन तीनों की हेल्प से हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे निकाल सकते हैं, यानी आसान भाषा से मैं कहा जाए तो भाई हमारे को ऐसा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड पता दिया हुआ है और पूछा जा रहा है अभी वो कहाँ होगा, ठीक है, इतने समय बाद क्या होगा, तो उसने कंडीशन दे दी इतने समय बाद वो कहाँ होगा, और जब वो आज सुबह उठा था तो वो इस जगह था। इस तरह से समझ लीजिए कि आपकी पोजीशन दे रखी थी किसी टी इक्वल टू जीरो पे, अब टी इक्वल टू टी पे वो कहाँ होगा, वैसे यहां पर जब कंसंट्रेशन 1 m थी, टेम्परेचर 298 था, प्रेशर 1 atm था, तब ई सेल की वैल्यू ये थी स्टैंडर्ड। अब कंसंट्रेशन ये है, प्रेशर ये है, तो बताइए ई सेल क्या होगा। ये बात बताने के लिए हमें नर्स इक्वेशन की जरूरत होती है, तो वो कैसे बताएगा, नर्स इक्वेशंस ई नॉन स्टैंडर्ड, जैसे मैं सेल के लिए लगा रहा हूं, सिंपल सेल के लिए, तो स्टैंडर्ड कंडीशन का सेल रखो माइनस माइनस 0.0591, 0.0591 को 0.06 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यानी यहां एन फैक्टर उस रिएक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ना कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, ठीक है, यानी ये एक तरह से एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन है, ना कि रिएक्टेंट है। और लॉग क्यू, क्यू का मतलब यहां पर रिएक्शन क्वेशेंट है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना होता है आपको। तो कुछ खास बात जो आपको साथ समझ में आ रही है, ए प्लस बी प्लस टू, इस तरह की कोई रिएक्शन है जो कि ए प्लस टू और बी बना रही है, बनने दो कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए ये गैस है, ये भी गैस है, और कोई सी सॉलिड भी बन रहा है, वैसे नहीं बना रहे लेकिन सॉलिड होता तो उसको क्या करते हम, काट देते, सॉलिड को कभी भी देखते ही काट दो, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को बिल्कुल हटा दो, सिर्फ एक्वास को लेना है, आयन को,
और दिस, तो ये हमारे पास एक्वस हो जाएगा। आयन जब भी आते हैं वो एक्वस होते हैं। अगर ये ए होता तो या तो ये सॉलिड होता या ये गैस होता। सॉलिड है तो काट दो, गैस है तो रख लो। अब आपको मैं बताता हूं इस जगह सपोज, सबसे पहले एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दो। दूसरा यहां क्यू क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर कोई एक्वास है तो उसकी कंसंट्रेशन आएगी, गैस है तो उसका प्रेशर आएगा। इसी तरह प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ए यहां पर क्या है, गैस है, गैस है तो प्रेशर आएगा, और आयन है तो कंसंट्रेशन आएगी। इस तरह से हम रखते हैं। तो ये हमारे को रखना आ गया, एन फैक्टर निकालना आ गया, ये दिया जाएगा। इसकी मदद से हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन यानी इस वाली कंसंट्रेशन प्रेशर पर हम निकाल देंगे। तो ये नर्स इक्वेशंस का पॉइंट आ गया कि कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारा काम बाकी है। हमारा क्या काम बाकी है कि हमने ये तो निकाल लिया कि कैसे यूज करेंगे, लेकिन इसका डेरिवेशंस, तो डेरिवेशंस कैसे निकलेगा। थर्मोडायनेमिक्स में हम एक चीज पढ़ते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस प्लस आर टी एल एन क्यू, ये हम पढ़ते हैं, पढ़ लिया हमने, तो कोई बहुत ज्यादा खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डेल्टा जी की जगह क्या लिखोगे, माइनस एन ई एफ, यहां क्या लिखेंगे, माइनस एन ई नॉट एफ प्लस आर टी एल एन। आर टी एल एन इसको लिख सकते हैं 2.303 आर टी लॉग क्यू लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट, ये माइनस एन एफ कौन कौन, माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ और लॉग क्यू। ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303, आर की वैल्यू क्या रखेंगे यहां पर, 8.314, क्योंकि जूल वाली लेनी पड़ेगी हमें, टेम्परेचर 298, एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 96500 लॉग क्यू। इस कैलकुलेशंस को करोगे तो ई की वैल्यू आपके पास आएगी ई नॉट माइनस 2.303, ये सब हटा दिया, 0.0591 अपॉन एन फैक्टर रह जाएगा और लॉग क्यू। ये हमारा डेरिवेशंस हो गया। की पॉइंट फिर आ गया, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, केवल ऑक्सीडेशन होता है तो कैसे चेंज होता है कि कोई एम एम प्लस टू में चेंज आ रहा है, समझ में आ रही है। और इसके लिए हमारे को ई नॉट दे रखा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा वाला, नॉन स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब ये हो गया कि इसकी कंसंट्रेशन वन है, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसके बारे में कोई जरूरत नहीं है बोलने की, पक्का। अब हमें ये बोला जा रहा है कि स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड निकाल जाओ आप। मैंने कह दिया निकाल दिया, ये रहो। क्या हम नर्स इक्वेशन केवल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए लगा सकते हैं, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेम डेरिवेशन चलेगा। तो हमारे लिए ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, दो, टू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट एक्वस है और रिएक्टेंट सॉलिड है, तो एम प्लस टू वन, बस खत्म। तो ये हमने किसके लिए लगाया, फॉर ऑक्सीडेशन। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लगाते तो भी कर सकते थे, यहां एम प्लस टू का वो कंसंट्रेशन आएगा जिसके लिए आप ई निकाल रहे हैं। जैसे जैसे, अब आप मेरे को बताइए, जैसे जैसे एम प्लस टू का कंसंट्रेशन बढ़ेगा बढ़ेगा, ये वैल्यू क्या होगी, कम कम होगी, ये वैल्यू
ये वाली वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। टोटल वैल्यू अगर ठीक है तो टोटल वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे एम एम प्लस टू में चेंज होता जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। एक समय कोई डाउट नहीं है। अब दूसरी तरफ इधर भी देख लो यही चीज। इसमें हमने जब लिखा था इसके लिए तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट था, जैसे जैसे ए प्लस टू यानी प्रोडक्ट बढ़ेगा और रिएक्टेंट कम होता चला जाएगा तो ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और नेट वैल्यू क्योंकि माइनस में जाएगी वो, तो नेट वैल्यू क्या होगी, कम। तो जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी, ई सेल की वैल्यू क्या होती जाती है, कम। बस मैंने एक कंसेप्ट बना दिया कि जब भी प्रोडक्ट बढ़ता है ई सेल कम होता है। तो आप क्या चाहते हो, ई सेल ज्यादा से ज्यादा रहे, उसके लिए क्या चाहते हो, रिएक्टेंट भर के लो और प्रोडक्ट कम से कम लो। यानी आप चाहते हो कि ई सेल की वैल्यू हाईएस्ट आए, तो प्रोडक्ट जितने भी है इनकी क्वांटिटी शुरुआत में ही कम रखो, यानी इसकी कंसंट्रेशन कम रखो, इसका प्रेशर कम रखो, इसका प्रेशर ज्यादा रखो, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रखो, जिससे रिएक्शन ज्यादा समय तक मूव कर सके। समझ में आया, कोई डाउट नहीं है, पक्का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इस तरह की रिएक्शन है जो बता पाती है, इस तरह की इक्वेशन है जो आपको किसी भी कंसंट्रेशन पे बता देगी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस करते हैं, लिख लो तब तक इसको। तो दोस्तों हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि नर्ड्स इक्वेशंस को रिलेट करते हुए बनाए गए हैं। इसमें आपको सेल रिएक्शन दे रखी है, ई नॉट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ई नॉट सेल निकालना है, फिर उसके बाद गिवन कंडीशन पे ई सेल निकालना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड में ये रिएक्टेंट होता है हमेशा, ये क्या होता है, रिएक्टेंट, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है। एक और चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, यानी प्रोडक्ट को जब भी जरूरत पड़ती है नर्ड्स इक्वेशन में ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट को नीचे रखते हैं। एक और चीज, जो सॉलिड है उसको रखने से कोई फायदा नहीं, तो काट दो, यहां पर सॉलिड सारे कट जाएंगे, सिर्फ एक्वस और गैस रहेगी। एक और चीज, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना ये चीज, तो लिखना बाद में, पहले ये सुनो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका एन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, टू। इसका एन फैक्टर कितना दे रहा है, टू, सही है। तो जब दोनों का टू टू है तो कोई दिक्कत नहीं है, टू रहेगा। लेकिन अगर एक का टू और एक का थ्री हो तो फिर एन फैक्टर आपका सिक्स होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, यहां पर कितना है एन फैक्टर, टू। यहां देखो सबसे अच्छा है, यहां टू है, वहां पर भी टू है, यहां टू है, यहां फोर है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको थ्री कर देता हूं समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां टू है और यहां क्या है, थ्री है। आ रही है बात समझ में। तो जब मैं इसका एन फैक्टर उसमें मल्टीप्लाई होता है और इसका इसमें होता है, कोई डाउट नहीं है। तो एन फैक्टर कितना जा रहा है, सिक्स, टू और थ्री। तो यहां कितना आ रहा है, फिर ध्यान से सुनना ये लाइन, यहां कितना आ रहा है, थ्री। तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कितना आ रहा है, टू, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, आप पहले मेरी बात ध्यान से सुनो कि इस जगह इसका टू है तो यहां टू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका थ्री है तो यहां थ्री से कर देंगे। ये आप सबसे अच्छा तरीका है। जैसे यहां कितना है, कितना है यहां पर, तीन का है, और यहां पर दो का है, तो काम चल ही रहा है, नहीं चल रहा है। तो फिर तो यहां पर आप क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, और यहां पर तीन से करेंगे, और इस जगह इन फैक्टर कितना हो जाएगा, सिक्स। इस तरह से करेंगे, यहां पर दोनों जगह, यहां पर वन है। तो एक काम कर सकते हो, या तो यहां हाफ कर दो, हाफ नहीं, यहां टू कर दो, अब पूरा बैलेंस हो गया। ये टू होते ही ये भी टू हो गया इनफेक्टर इसके लिए, और ये भी टी हो गया दोनों के लिए, और नेट रिएक्शन का क्या हो गया, टू। तो यहां से आपको ये चीजें रखना जरूरी है। दूसरी तरफ ई नॉट सेल दिया ही है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.0। यहां ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट सेल की वैल्यू,
तो इसमें भी हमारा अप्रोच काम आएगा, जिसका जो हो रहा है वो देखो आप, प्लस टू से प्लस फोर, प्लस टू से प्लस फोर थ्री, प्लस थ्री से प्लस वन, दिया उल्टा है, हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो टू को क्या करना पड़ेगा, माइनस वन, तो थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस टू करना पड़ेगा, तो ये वन। इस तरफ देखिए, प्लस वन से प्लस थ्री, प्लस करना पड़ेगा, प्लस वन हो गया, दिमाग में बिठा लो प्लस वन होगा, प्लस टू, प्लस थ्री से जीरो, प्लस थ्री करना पड़ेगा अब यहां पर भी, प्लस थ्री से जीरो, तो ये प्लस टू थ्री हो गया। यहां जब ई निकाल रहे होते हैं सेल, तो कॉफिशियंट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कॉफिशियंट का यूज कहां होता है, सिर्फ और सिर्फ नर्स इक्वेशन में वैल्यूज रखते वक्त। तो यहां कितना आ रहा है, थ्री, सॉरी उससे फर्क ही नहीं है, थ्री से टू, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन, और फोर से टू, और दिया है टू से फोर, तो कितना हो जाएगा, प्लस वन। तो ये इनोड सेल सीधा आ रहा है आपके प्लस प्लस वन। इधर देखिए, जेड एन से जेड एन प्लस टू, 0.65, हाइड्रोजन का एच टू से एच प्लस के लिए भी जीरो होता है, ये स्टैंडर्ड है, माना गया है ये, और ये उल्टा भी जीरो होता है, प्लस जब ये जीरो है तो जीरो का माइनस जीरो भी तो जीरो ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 0.65। यहां तक हम काम चल रहा है हमारा। अब आगे हमें नर्स इक्वेशंस को यूज करना है, और नर्स इक्वेशंस आप जानते हो क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर एल एन ई लॉग क्यू, यहां एल एन नहीं रहता, लॉग क्यू रहता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इस फॉर्मूले को लगाना सीखना है हमें, तो ई सेल की वैल्यू डायरेक्ट ई नॉट सेल माइनस आएगा, यहां पर ई नॉट सेल 2.0 माइनस 0.059 को राउंड फिगर में 0.06, कितने इलेक्ट्रॉन है, एन फैक्टर हमें हर जगह लिखना था, एन फैक्टर कितना था यहां पर, दो, यहां इन्फेक्टर कितना है, टू, यहां इन्फेक्टर कितना है, सिक्स, कैसे, क्योंकि इसका टू है, इसका थ्री था, यहां इन्फेक्टर, यहां इन्फेक्टर टू, तो इसकी जरूरत पड़ेगी डिवाइडेड बाय टू लॉग। अब ये वैल्यूज रखनी है हमें, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट है, तो 0.01, 0.01 मल्टीप्लाई बाय अगेन 0.01 अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, 0.01, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट आ रहा है, 0.01। क्यों ये रिएक्टेंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सॉलिड है, सिर्फ गैस और एक्वस को लेना है हमें, बार बार बोल रहा हूं, तो ये आपको कैलकुलेशंस करना है। दूसरी तरफ 1 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 2 लॉग, तो प्रोडक्ट कौन है, ये रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना है, 0.2 इंटू 0.2, 0.1 इंटू 0.1, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। अब इधर ध्यान से सुनो, यहां 3 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना है, 6 लॉग पॉइंट प्रोडक्ट, एक बार लिख लो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है, 0.1 पावर 3, ये पावर में जाएगा, जो कॉफिशियंट है सीधा पावर में जाता है आप जानते हो, फिर ये तो आपको काटता है, सॉलिड है, डिवाइडेड बाय 0.01 पावर 3 इंटू 0.01 पावर 2। अब यहां देख लो, यहां 1 माइनस 0.06 अपॉन एन फैक्टर अगेन 6 लॉग पॉइंट, पहले लिख लो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो 0.1 पावर 2
0.01 power 3. तो ये हमारे पास बहुत सही अप्रोच जा रही है. नेक्स्ट 0.65 आपको दिख रहा है, 0.06 by 2 log product upon reactant. तो reactant product तो product क्या है 1 m, product फिर 1 की power 2 भी 2 1 ही रहेगा. अब reactant क्या आ रहा है यहाँ पर 2 2 2 atm आ रहा है 1, ये तो कट ही गया, लेकिन यहाँ क्या आएगा 2 2 atm दे रखा है, तो लिखना पड़ेगा atm में जाएगा as it is. तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है कि वैल्यूज कैसे रखना. अपन कंसंट्रेशन भी लेते हैं और प्रेशर भी लेते हैं. जो गैसेस हैं उनके प्रेशर लेते हैं और जो कंसंट्रेशन होता है उनकी मोलरिटी लेते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. यहां सब इसी तरह से लिया जाता है, एक्टिव मास लिया जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. लिखो.